Hello students, how are you? I am Hekar Singh, your English teacher. Class 4th, subject English, 2nd, or chapter number 11, adverb. So dear students, kal humne iska question number D kara diya tha aapko. Aaj iska question number E hum samjhayenge, karayenge. Is question ko aapko bahut hi achhi tarike se neat and clean karke apni notebook mein note karna hai aur learn karna, okay? To come to the point. Fill in the blanks using adverbs of place given in the brackets. देखिए खाली स्थान में आपको सही adverb of place लिखने हैं, ये जो इधर दिए हुए हैं. देखिए students, जो कटे हुए हैं वो आपको fill नहीं करने हैं, जो कटे हुए नहीं हैं उन्हें आपको fill करना है. बाकी मैं इसे समझाऊंगा, आप समझ लिए इसे अच्छे तरीके से और तभी आपको ये करने हैं, ठीक है? नंबर वन है, द चेयर्स वर मूव्ड नियरली. सेकंड है, माय फादर्स फ्रेंड लिव्स अब्रॉड. यू कैन ऑलवेज फाइंड हिज थिंग्स लेइंग हियर. और नेक्स्ट है, आई कैप्ट द बैग दे हियर but somebody moved it. Next है, Kiran lives nearby. I shall call her immediately. Come here, I have something for you. तो dear students, ये question आपका complete हो गया है. इसको आप अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करके अपनी नोटबुक में नोट करें और लर्न करें. और देखिए अब नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में आपके एग्ज़ाम है, तो अच्छी तरीके से लर्न करते रहिए और जो भी वर्क दिया जा रहा है उसे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए. ओके, गुड बाय, टेक केयर, डू देयर बेस्ट इन योर गुड स्टडी. गुड बाय.